भारत एक देश में दो दुनिया है, एक उजाले की और एक अंधेरे की। मेरी नजर काफी समय से आपके देश की तरक्की पर है। मुझे पता है आप लोग देश की स्वतंत्रता और खुद की आजादी को बहुत अहमियत देते हैं। अंग्रेजों ने आपको भी नौकर बनाने की पूरी कोशिश की, पर आप लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। मैं इस बात की कद्र करता हूँ सर। ऐसे कई हैं जो भगवान को नहीं मानते, पर ऐसा मानने ना मानने का अपना फायदा और नुकसान है। एक इंडियन बिजनेसमैन वही है जो सीधा भी हो और टेढ़ा भी, जो आस्तिक भी हो और नास्तिक भी, जो कपटी भी हो और सच्चा भी, सब कुछ एक साथ। इस देश के 10,000 साल पुराने इतिहास में जो सबसे महान चीज हमें मिली है वो है मुर्गे का पिंजरा। मुर्गे अपने दोस्तों को कटते हुए देखते हैं, उन्हें पता है अगली बारी उनकी है, फिर भी सिर तक नहीं उठाते। वो उस पिंजरे के बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। हमारे यहाँ नौकरों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उसके कंधे पर लदे फर्नीचर की कीमत कम से कम उसकी 2 साल की तनख्वाह है, फिर भी एक भी पैसे की हेर फेर किए बगैर उसे अपने मालिक तक वो पहुंचाता है। सभी ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी सबसे सच्चे और ईमानदार होते हैं? नहीं, क्योंकि लगभग हर कोई इस मुर्गे के पिंजरे में फंसा हुआ है। एक नौकर का भरोसा इतना मजबूत है कि आप उस नौकर के हाथ में उसकी मुक्ति की चाबी क्यों ना दे दें, वो वही चाबी आपके मुंह पर फेंक कर चला जाएगा। पुराने दिनों में जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था तब यहाँ हजारों जातियाँ थी, पर आजकल सिर्फ 2 तरह की जात है। पहली जिनका पेट बड़ा है और दूसरी जिनकी भूख। जिनकी किस्मत में 2 चीजें हैं, या तो निगलो या निवाला बनो। मुझे उस पल समझ आया कि इस देश में किसी को मुक्ति मिलना कितना मुश्किल है। ये मुर्गे का पिंजरा ऐसे ही चलता है जिसमें लाखों हिंदुस्तानी कैद हैं। जब आप इंडिया आएंगे सर तो आप मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों से मिलेंगे। अगर आप हमारे दिमाग को खोल कर उसमें झांकेंगे तो उसमें आपको आधे सच्चे आधे कच्चे सपने एक दूसरे को खाते हुए मिलेंगे। इसीलिए हम ऐसे ही जीते रहते हैं। अगर हिंदुस्तान की कमान मेरे हाथ होती तो मैं पहले गटर साफ करवाता और फिर प्रजातंत्र। गरीब के लिए ऊपर आने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, जुर्म या पॉलिटिक्स। आपके देश में भी ऐसा ही है क्या? मालिक को खुश करने की चाह हम में इस तरह ढाली जाती है कि हम सही और गलत का अंतर ही भूल जाते हैं, पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। इस शहर को पता था कि मैं किस आग में जल रहा था, क्योंकि वो भी जल रहा था। मेरा मालिक कौन होता है बोलने वाला कि मेरे किस्मत में झोपड़ी है या महल? सोचा है किसी टिपिकल हिंदी फिल्म में खून के बाद क्या होता है? एक गरीब ने अमीर को मार दिया और अब वो मरा हुआ आदमी उसके सपनों में आता है और कहता है, खूनी, हत्यारे, चिल्लाकर। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। असली बुरा सपना दूसरे किस्म का होता है, जिसमें लगता है तुमने कुछ किया ही नहीं, अपने मालिक को नहीं मारा, तुम बस अपना होश खो बैठे हो और तुम अभी भी नौकर ही, सिर्फ एक नौकर। वक्त आपका और मेरा है, तो बाकी सबको बस भगवान ही बचाए। जंगल है जानवर तो बबले के बैन करे जू, निकला संजीर को तोड़ के आजाद होकर घूमू। जानवर तो बबले के बैन करे जू, निकला जंजीर को तोड़ के आजाद होकर घूमू। ये जंगल है जंगल है जंगल का मंदिर है, करना या मरना है हाना। ये जंगल है जंगल का मंदिर है, करना या मरना है हाना। ये जंगल है जंगल का मंदिर है, करना या मरना है हाना। ये जंगल है जंगल का मंदिर है, करना या मरना है।